ट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट अकाउंटिंग या कंसाइनमेंट अकाउंटिंग तो थोड़ी देर के लिए रहने दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट so, क्या होता है तो वी विल टेक दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल सपोज एक है मिस्टर ए ओके ही लिव्स इन मुंबई ओके सपोज मिस्टर ए lives in Mumbai and उसे अपना business expand करना है फिलहाल वो जो है वो Mumbai में business कर रहा है okay लेकिन उसे अपना business जो है वो expand करना है he wants to expand his बिजनेस ओके ही वॉन्ट्स टू एक्सपांड हिस्स बिजनेस तो वॉट ही डज सपोज ही आइडेंटिफाइज की एक दूसरा सिटी है लेडस से पुणे ओके ही आइडेंटिफाइज कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पुणे में अच्छे से बिकेगा लेकिन ज्योग्राफिकल लिमिटेशन की वजह से ही कैन नॉट लिव मुंबई और उसे पूना में अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है कि ही विल कॉन्टेक्ट सपोज एक दूसरा पर्सन है मिस्टर एक्स जो पुणे में रहता है ओके okay. और वो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर एक्स को कांटेक्ट करेंगे उनको कहेंगे कि भाई हमारे सो एंड सो प्रोडक्ट्स है हम इन प्रोडक्ट्स को पुणे में बेचना चाहते हैं आप हमारी तरफ से हमारे प्रोडक्ट्स को बेचिए जो भी प्रोडक्ट्स आप हमारे बेचोगे उसके हम आपको कमीशन देंगे ओके इन शॉर्ट मिस्टर एक्स को एज एन एजेंट अपॉइंट किया जाता है मिस्टर ए क्या करता है मिस्टर एक्स को एज एन एजेंट अपॉइंट करता है कि भाई पूना में जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे बेचने हैं वो आप बेचोगे मैं आपको प्रोडक्ट्स भेज दिया करूंगा ओके और आप मेरा प्रोडक्ट्स बेच के जो भी पैसा आता है वो मुझे दे देना जो भी आपका खर्चा होता है और जो भी आपका कमीशन होता है वो मिस्टर ए जो है वो पे करेंगे मिस्टर एक्स को ओके okay. तो इस तरीके के बिजनेस को हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट ओके इसमें क्या होता है देखिए कि जो मिस्टर ए होगा ही विल सेंड द गुड्स टू मिस्टर एक्स मिस्टर ए क्या करेंगे मिस्टर ए विल सेंड द गुड्स टू मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स क्या करेंगे मिस्टर एक्स क्या करेंगे ही विल सेल द गुड्स ओके गुड्स को बेचेंगे उसके बाद बेचने के बाद ही विल गेट या गेट कमीशन इन रिटर्न कमीशन इन रिटर्न क्या हो रहा है, जो है वो अपने प्रोडक्ट को मिस्टर एक्स के पास भेजेंगे मिस्टर एक्स इन प्रोडक्ट को बेचने के बाद इसका पैसा कलेक्ट करके मिस्टर ए को भेजेंगे और उसमें से अपना कमीशन जो है वो काट लेंगे ओके okay, मिस्टर एक्स जो है वो अपना कमीशन इसमें से काट लेंगे तो यहां पे ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है यहां ए जो रहेंगे, ओके मिस्टर ए को हम कहेंगे कंसाइनर। कंसाइनर मतलब पर्सन हु सेंड्स द गुड ऑन कंसाइनमेंट ओके इसको एक और नाम दिया जाता है इनको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ओके okay, इनको क्या कहा जाता है प्रिंसिपल मिस्टर ए को क्या कहा जाएगा कंसाइनर और प्रिंसिपल और जो मिस्टर बी हो गए उनको कहा जाएगा कंसाइनी मतलब ऐसा पर्सन जिसको कंसाइनमेंट भेजी गई है कंसाइनी और इसको एक और नाम कहा जाता है यह नाम आपने बहुत बार सुना होगा एजेंट ओके okay. तो मिस्टर ए और मिस्टर बी में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है मिस्टर ए जो है वो प्रोडक्ट्स मिस्टर बी को भेजेगा मिस्टर बी जो रहेगा ही इज एन एजेंट वो गुड्स उसके खुद के नहीं है वो गुड्स मिस्टर ए के ही है ओके मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के गुड्स को बेचेगा और बेचने के बाद जो पैसा रहेगा वो मिस्टर ए को रिटर्न करके उसपे कमीशन मिस्टर बी को मिलेगा मिस्टर बी या मिस्टर एक्स यहाँ पे हम लोग मिस्टर बी नहीं यूज कर रहे मिस्टर एक्स यूज कर रहे ठीक है वट तो यहाँ पे मेरे वर्डिंग्स ध्यान में रखिए मिस्टर ए जो है वो मिस्टर एक्स को गुड्स भेजेगा बेचेगा नहीं सेल नहीं करेगा ओके okay, गुड्स का सेल हो रहा है क्या नहीं मिस्टर ए क्या कर रहे हैं मिस्टर एक्स को गुड्स सेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट पे सेल नहीं हो रहा है अगर सेल होता था तो ये अकाउंटिंग का काम ही नहीं गिरता था बेटा अपने को डायरेक्ट हम उसको सेल अकाउंट को हम लोग दिखाते थे कि मिस्टर मिस्टर ए ने एक्स को गुड्स बेच दिए ओके okay? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है मैं थियोराटिकल कंसेप्ट पहले आपके क्लियर करूंगा उसके बाद हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे यहां पे क्या हो रहा है देखिए मिस्टर एक्स को जो है मिस्टर ए गुड्स सेंड कर रहा है और बाद में उसको मिस्टर एक्स जो है वो बेच रहा है ओके okay? तो सेलिंग का काम बाद में हो रहा है और हम नहीं कर रहे हमारा एजेंट कर रहा है तो अभी हमारे एजेंट ने हमारे तरफ से कौन से गुड्स बेचे कितने बेचे कितना पैसा कलेक्ट किया उसको कितना खर्चा हुआ उसको कितना कमीशन देना है हमारा कितना खर्चा हुआ ये गुड्स भेजने में ये सब चीजों का अकाउंटिंग करने के लिए आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो ओके इन सभी चीजों का अकाउंटिंग करने के लिए इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने के लिए आप क्या करते हो कि आप एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो ओके इज दिस क्लियर आपको बेसिक समझ में आ रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं? एवरीथिंग इज क्लियर कि यहां पे एक्चुअल सेल जो है वो मिस्टर ए नहीं कर रहे एक्चुअल सेल जो है वो मिस्टर एक्स कर रहे हैं और हमें उसका पैसा भी मिल रहा है और हमें मिस्टर एक्स को उसका कमीशन देना है तो वो कमीशन देना और ये जितना भी पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है ये फाइंड आउट करने के लिए हम एक सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उनमें हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स ओके थोड़ा सा और आगे इसका थियोरटिकल कंसेप्ट आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा नोट्स पे आ जाते बेटा मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट आपको समझ में आ गया होगा नाउ अस गो टू द नोट्स व्हेन द गुड्स आर सेंट बाय द ओनर और द प्रिंसिपल टू द एजेंट और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव देखिए ओनर ने प्रिंसिपल या एजेंट को ओके ओनर और प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को जब गुड्स सेंट किए सेल नहीं किए वर्ड देख लो सेल नहीं किया कंडीशन ऑफ सेलिंग द गुड्स ऑन मेरे बदले में आप गुड्स बेचो ओके और आप जो भी गुड्स बेचोगे उसका मैं आपको कमीशन दूंगा तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कि कंसाइनमेंट और गुड्स भेजने वाले पर्सन को हम कहते हैं कंसाइनर और जिसे गुड्स मिलता है उसे कहते हैं कंसाइनी अभी ये जो हमने डिस्कस किया ना ये पूरा चार्ट इस पे से कंसाइनमेंट अकाउंट के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो पहला देखिए क्या है कि गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द पर्पस ऑफ सेल मतलब यहाँ पे देखो गुड्स कौन भेज रहा है मिस्टर ए मिस्टर ए है कंसाइनर गुड्स किसको भेजे जा रहे हैं मिस्टर एक्स को भेजे जा रहे हैं मिस्टर एक्स कौन है कंसाइनी क्यों भेजे जा रहे हैं ताकि मिस्टर एक्स जो है वो पुणे में मिस्टर ए के गुड्स को बेच सके सेल कर सके ओके सो द कंसाइनर टू द द कंसाइनी फॉर पर्पस ऑफ सेल ओके सेकंड देखिए रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब यहां पे देखिए मिस्टर ए और मिस्टर एक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है मिस्टर ए जो है वो प्रिंसिपल है और मिस्टर एक्स जो है वो एजेंट एजेंट है है X, है मिस्टर मिस्टर ए प्रिंसिपल एक्स अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट कंसाइनमेंट इज नॉट सेल ऑफ गुड्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी ही मैंने डिस्कस किया कि कंसाइनमेंट पे गुड भेजना मतलब सेल नहीं हुआ आपने गुड्स भेजे हैं अभी तक बिके नहीं है ओके फोर्थ पार्ट कंसाइनी एक्ट एज पर होगा वो गुड्स के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी देगा ओके okay. कंसाइनर जो होगा वो गुड्स के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी देगा और उसी इंस्ट्रक्शन के को कंसाइनी ने फॉलो करना है अब ये थोड़ा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? होतेश यू कैन नोट दिस डाउन ऑल्सो ऐसे नोट्स में है लेकिन नोट्स में थोड़ा अलग लैंग्वेज में है तो इफ यू विश यू कैन राइट दिस जो कंसाइनर होगा कंसाइनर विल सेंड द गुड्स टू कंसाइनी ओके अलोंग विथ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट सच अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रोफॉर्मा इन वॉइस इसका क्या मतलब है तो जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा ओके okay. जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो उस गुड्स के साथ कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट भी भेजेगा और उस डॉक्यूमेंट में पूरे डिटेल्स हो गए मैंने आपको कौन से गुड्स भेजे हैं कितनी क्वांटिटी में भेजे हैं इनको कितने में बेचना है ओके okay. ये सभी चीजें इस डॉक्यूमेंट में लिखी होगी लेकिन ये डॉक्यूमेंट को हम प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्यों कहते हैं इनवॉइस क्यों नहीं कहते बिल क्यों नहीं कहते है? क्योंकि ये कंसाइनमेंट इज नॉट सेल इट इज नॉट सेल अभी आपने गुड्स भेजे नहीं है बेचे नहीं है सो so इनवॉइस या बिल नहीं भेजोगे आप ओके okay? आप क्या भेजोगे कंसाइनर कंसाइनी को क्या भेजता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस इसमें ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे मिस्टर ए जो है उसका बिजनेस है इलेक्ट्रिक साइकिल्स का ओके okay? इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का बिजनेस है और मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को कुछ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भेजी है पुणे में बेचने के लिए तो इन गुड्स के साथ जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें वो गुड्स की इंफॉर्मेशन रहेगी कि भाई ये गुड्स क्या है इनके पर्टिकुलर रहेंगे इसकी टेक्निकल डिटेल रहेगी और इनको कैसे बेचना है कितने प्राइस में बेचना है उससे रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शन होगी तो ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस ओके इसे लिख लो या याद रखो क्योंकि थियोरी में यह पूछा जाता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस एमसीक्यू में भी आपको आ सकता है कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखना है सभी ने तो कंसाइनी एक्ट एज पर फिफ्थ पॉइंट कंसाइनी द राइट

on the goods sold by him, the rightful owner of the goods is consignor. Okay, consignee जिसको गुड्स भेज रहे हो वो owner नहीं है वो सिर्फ agent है गुड्स का owner असली owner कौन है तो जो consignor है वही गुड्स का असली owner होता है कंसाइनी सिर्फ वो गुड्स संभाल के रखता है कंसाइनी इज जस्ट अ बेली ऑफ द गुड्स बेली मतलब संभाल के रखता है वो गुड्स उसको को सिक्योर रखना उसकी जिम्मेदारी है लेकिन उसका ओनर कौन होता है, है. Okay? तो है कंसाइनर वो पढ़ते हैं डिफरेंसेस देखते हैं और उसके बाद कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से कौन से अकाउंट बनेंगे कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से कौन से अकाउंट्स बनेंगे ये हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर सेल प्रॉब्लम So some main terms in the consignment. सबसे पहला टर्म है और एजेंट को एक्सप्रेसली नोटिस देता है कि आप ये गुड्स हमारी तरफ से बेचिए और जो भी इसका कमीशन होगा बेचने पर वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो इस टाइप के अरेन्जमेंट को कहा जाता है कंसाइनमेंट ओके कंसाइनर का मीनिंग क्या है कि द पर्सन सेल्स द गुड्स टू

ठीक है ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कमीशन एक नया पॉइंट है कमीशन का पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी गुड्स कंसाइनी भेजे बेचेगा ओके okay, आपकी तरफ से जो भी गुड्स कंसाइनी बेचेगा मिस्टर ए ऑफ मुंबई मिस्टर बी मिस्टर एक्स ऑफ पुणे मिस्टर ए है कंसाइनर मिस्टर एक्स है कंसाइनी मिस्टर ए जो है वो मिस्टर एक्स को गुड्स सेंट करेंगे ओके मिस्टर एक्स जो है वो गुड्स को सेल करेंगे मिस्टर एक्स जो है सेल करने के बाद जिन लोगों को गुड्स भेजे हैं उनसे पेमेंट कलेक्ट करेंगे ठीक है वो एक का काम नहीं है वो काम भी किसका है एक्स का है एक्स क्या करेगा गुड्स भेजे बेचेगा भी सेल भी करेगा और सेल करने के बाद जिन लोगों को सेल किया है उनसे पेमेंट भी कलेक्ट करेगा इससे रिलेटेड इन दोनों ही चीजों से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस वो भी मिस्टर एक्स ही बियर करेगा ओके वो भी मिस्टर एक्स ही बियर करेगा कोई तो कुछ एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी कुछ स्टेशनरी का खर्चा हुआ आपका कुछ ट्रैवलिंग किया आपने ओके और फाइनली फाइनली क्या होगा कि मिस्टर एक एक्स जो है वो बाकी का जो पैसा होगा कलेक्शन करने के बाद का जो पैसा होगा वो कंसाइनर को प्रोवाइड करेगा फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने एक लाख रुपए के गुड्स बेच के कलेक्ट किए एक लाख रुपया पेमेंट कलेक्ट किया ये एक लाख रुपए के गुड्स को सेल करने में मिस्टर एक्स का खर्चा हो गया फाइव थाउजेंड रुपीजे और मिस्टर एक्स को कमीशन मिलता है दो परसेंट मिस्टर पे कमीशन मिलता है दो परसेंट तो ये एक लाख रुपए जो उन्होंने कलेक्ट किया है सेल करके इस पे दो परसेंट के हिसाब से कमीशन कितना बनेगा उनका टू थाउजेंड ओके तो जब फाइनल हिसाब भेजने की बात आएगी तब इस एक लाख में से पांच हजार जो खर्चा हुआ है कंसाइनर की तरफ से हुआ है ओके okay. देखो एक बार ध्यान रखो कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा वो खुद की जेब में से नहीं करेगा ओके okay? वो तो एजेंट है तो जो एजेंट जो भी खर्चा करेगा उसका पेमेंट का रिइंबर्समेंट कौन करेगा कंसाइनर करेगा मतलब सपोज यहाँ पे कंसाइनी ने पांच हजार का खर्चा कर दिया है ट्रैवलिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह में तो ये पांच का खर्चा कंसाइनी ने किया है बराबर है लेकिन ये खर्चा किसकी तरफ से किया है अपने प्रिंसिपल की ओर से किया है मतलब इसका पेमेंट कौन करेगा आखिरी में इसका पेमेंट कौन करेगा कंसाइनर करेगा कंसाइनर मतलब जब हिसाब सेटल करने की बात आएगी ना तब जब एक लाख रुपया भेजना पड़ेगा ना एक को तो ये पूरा एक लाख नहीं भेजोगे आप आप कितना भेजोगे जो एजेंट रहेगा वो कितना भेजेगा? ये जो एक्सपेंसेस है ये अमाउंट और अपना जो कमीशन है ये अमाउंट माइनस कर लेगा सात हजार माइनस करके नाइनटी थ्री थाउजेंड रुपीज जो है वो आप मिस्टर ए को वापस रिटर्न समझ में आ रहा है आपको Is this clear? जो भी एक्सपेंसिस है कंसाइनमेंट के अंदर के जो भी एक्सपेंसिस कंसाइन ही करता है उसका खर्चा कंसाइनर से वसूला जाता है पहली बात सेकेंड हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है कमीशन का ओके okay, हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो कमीशन का कमीशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है कमीशन जो होता है ना वो थ्री टाइप्स का होता है पहला जो टाइप है कमीशन का वो है ऑर्डिनरी कमीशन ओके पहला जो टाइप है कमीशन का वो है ऑर्डिनरी कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है कि कंसाइनी इज गिवन दिस कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इट्स इनवॉइस प्राइस एट परसेंटेज जैसे कि अब मैंने यहां पे आपको कहा कि भाई दो परसेंट कमीशन मिस्टर एक्स को मिल रहा है तो ये जो दो परसेंट कमीशन हुआ ना ये फर्स्ट कैटेगरी का आता है ऑर्डिनरी कमीशन ओके टू परसेंट ये जो कमीशन मिल रहा है ये मिस्टर एक्स को जो मिल रहा है ये है ऑर्डिनरी कमीशन ये भी याद रखना है ये भी एमसीक्यूज में या थेटिकल के टाइम पे आपको पूछे जा सकते हैं ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है डेल क्रेडेर कमीशन क्या होता है और ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है दूसरा जो टाइप ऑफ कमीशन है वो है डेल डेलक्रेडेयर कमीशन ओके डेल क्रेडेर कमीशन क्या होता है कि देखिए जनरली यहां पे जैसे हमारा ये केस है मिस्टर एक्स जो है वो एजेंट है उनका काम है मिस्टर ए ने जो भी गुड्स भेजे हैं उसे सेल करना और पैसा मिस्टर ए को रिटर्न करना कभी कभी मिस्टर ए कभी कभी मिस्टर एक्स को इंस्ट्रक्शन में कहेगा कि भाई आप जो है वो गुड्स क्रेडिट पे भेज सकते हो सेल आप जो है वो क्रेडिट पे कर सकते हो ओके okay? तो अगर आप सेल क्रेडिट पे करते हो क्रेडिट पे सेल करना मतलब क्या होता है पेमेंट इमीडिएटली मिलता है क्या अपने को नहीं पेमेंट अपने को बाद में मिलता है एक महीने के बाद में डेटा हमको जो है वो पेमेंट करेगा तो यहाँ पे कमीशन एजेंट जो है मिस्टर एक्स उनका काम बढ़ जाता है उनको पहले गुड्स क्रेडिट पे सेल करना है उसके बाद एक महीने के बाद पंद्रह जितना भी कमीशन सेल क्रेडिट सेल का टाइम होगा उस टाइम के बाद वो पर्सन के पास जाके उसके पास से पेमेंट कलेक्ट करनी है ओके उसका काम बढ़ता है बहुत सारे टाइम पे लोग पेमेंट नहीं देते बैड भी हो जाती है तो मिस्टर एक्स की जिम्मेदारी है वो कि भाई आप उधार में अगर सामान बेच रहे हो तो कलेक्ट भी आपको करना है अगर आप पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते तो वो पैसा आपको आपके घर में से मिस्टर e है, भरना है तो ये जो रिस्क बढ़ी हुई अज्यूम कर रहा है उसके लिए उसको एडिशनल कमीशन मिलता है डेल क्रेडेट कमीशन ये कमीशन आपको कब मिलता है जब आप, आपके एजेंट के गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हो और आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि आप आपके प्रिंसिपल के गुड्स को क्रेडिट पे बेचोगे भी उनको कलेक्ट उसका पैसा भी कलेक्ट करके आप प्रिंसिपल को जब देते हो तो आपका प्रिंसिपल मिस्टर मिस्टर ए मिस्टर एक्स को एक एडिशनल कमीशन देता है जिसे डेल क्रेडर कमीशन कहा जाता है देखिए यहाँ पे लिखा भी डेल क्रेडर कमीशन इफ अ कंसाइनी हैज बीन गिवन राइट टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट बाय द कंसाइनर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इन सच केस हो सकता है नुकसान

ये भी कमीशन टोटल सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है ओके हरेक कमीशन जो है वो टोटल सेल्स पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं थर्ड है ओवर राइडिंग कमीशन ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है कि देखिए सपोज मिस्टर ए ने यहाँ पे मिस्टर बी को एक्स को गुड्स दिए हैं, गुड्स का सेलिंग प्राइस है रुपीज हंड्रेड ओके गुड्स का सेलिंग प्राइस है रुपीज हंड्रेड मार्केट में सेलिंग प्राइस है रुपीज हंड्रेड लेकिन कुछ कस्टमर्स एक्स के पास आए थे जिनको अर्जेंटली गुड्स चाहिए थे और ऐसे केस में मिस्टर एक्स ने थोड़ा सा फायदा उठाते हुए क्या किया कि उन लोगों को एक रुपए में प्रोडक्ट जो है वो बेच दिया बीस रुपया ऊपर ओके ट्वेंटी रुपीज मोर बीस रुपया जो सेलिंग प्राइस थी जो इंस्ट्रक्शंस में मिस्टर ए ने कहा था कि भाई कम से कम सौ रुपए में आप गुड्स बेचो लेकिन मिस्टर एक्स ने क्या किया सौ रुपए के भी ऊपर एक सौ बीस रुपए में गुड्स भेजे सेल कर दिए तो यहाँ पे ये जो ट्वेंटी रुपीज का सेल ज्यादा के जो सेल किया ना का जो डिफरेंस है है फायदा हो रहा ना मिस्टर ए को 20 का सौ में बेचना चाहिए था मिस्टर एक्स ने एक सौ बीस में बेच दिया तो ये जो मिस्टर ए को बीस रुपए का फायदा हो रहा है इस पे भी मिस्टर एक्स को कमीशन मिलता है और उसे कहा जाता है ओवर राइडिंग कमीशन ओके okay, उसे क्या कहा जाता है ओवर राइडिंग कमीशन देखिए नोट्स में क्या लिखा है इसके बारे में इफ अ कंसाइनर गिव्स द राइट टू कंसाइनी टू सेल द गुड्स अब प्राइस ओके अगर आप इनवॉइस प्राइस के ऊपर गुड्स बेचते हो और आपका एजेंट जो है वो बेचने में सक्सेसफुल होता है तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगी ओके जो भी एक्सेस अमाउंट पे गुड्स बेचे गए हैं उस पे आपको एजेंट को आपके ओवर राइडिंग कमीशन देना होगा ओके तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कमीशन ओवर राइडिंग कमीशन एमसीक्यूज हो या theoretical concepts हो ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं तो ये कंसेप्ट आपको एकदम से क्लियर रखनी है आपकी नेक्स्ट प्रोफॉर्मा इन्वाइस हो गया सिक्स है एडवांस ऑन कंसाइनमेंट एडवांस ऑफ कंसाइनमेंट क्या है इट्स नथिंग बट दी आखिरी का जो हिसाब होता है जो कंसाइनी गुड्स भेजने के बाद ओके अपना सभी खर्चा वगैरह कमीशन एडजस्ट करके जो बाकी का पैसा रिटर्न करता है ठीक है उसे अकाउंट सेल एडवांस ऑन कंसाइनमेंट क्या होता है कि भाई अभी यहाँ पे कभी कभी कैसा होगा कि मिस्टर ए और मिस्टर एक्स बिजनेस में एंटर करेंगे उसके पहले मिस्टर एक्स जो है हो सकता है, है विश्वास कैसे करूं मैं तुमको इतने सारे गुड्स भेजूंगा तुमने मेरे गुड्स बेचे भी नहीं और तुम लेके बैठ गए या तुम पैसा रिटर्न नहीं करोगे तो क्या वट इज द प्रूफ के तुम पैसा रिटर्न करोगे टाइम पे ऐसे केसेस हो सकते हैं ना मिस्टर ए मिस्टर एक्स को ऐसा बोल सकता है कि भाई आपको मैंने गुड्स भेजे आप उसको सेल नहीं करोगे और वो गुड्स या सेल करने के बाद वो पैसा मुझे नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा तो ऐसे केसेस में मिस्टर एक्स जो है वो कभी कभी मिस्टर ए को कुछ पैसा ओके okay, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कुछ पैसा एडवांस में मिस्टर ए को दे देता है टू बिल्ड अप ट्रस्ट ओके उस पैसे को कहा जाता है एडवांस है अकाउंट सेल अकाउंट सेल मीन मतलब क्या कि ये जो हो रहा है ना आखिरी में कंसाइनमेंट सेल खत्म होने के बाद जब लास्ट में फाइनली मिस्टर एक्स या आपका जो एजेंट जो हिसाब भेजता है कंसाइनर को ओके okay, अपना कमीशन एक्सपेंसेस वगैरह काट के जो भी आप हिसाब बेचते हो उस फाइनल हिसाब को कहा जाता है अकाउंट सेल ओके इसमें सभी चीजें डिटेल में लिखी होती है कि भाई आपके कौन से कौन से गुड्स बेचे कितने में बेचे गए कितना कमीशन लिया कौन से कौन से एक्सपेंसेस हुए ऑल दिस थिंग्स आर डिटेल्ड गिवन एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्लोज ओके यहाँ पे अब डिफरेंस है कंसाइनमेंट के बीच में और सेल के बीच में ये आपने खुद पढ़ना है ओके okay, ये आपने खुद पढ़ना है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे वी विल जस्ट डिस्कस दिस अकाउंटिंग ओके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है हम प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम लोग एक जो प्रॉब्लम लेंगे उसमें हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे मैंने फिलहाल आपको नोट्स दी है लेकिन वो नोट्स में से नहीं एक बेसिक लेवल का प्रॉब्लम हम लोग पहले कल सॉल्व करेंगे उसके बाद नोट्स की शुरुआत करेंगे तो देखिए आपको दो अलग अलग पार्टीज के अकाउंट्स में के अलग अलग बुक्स में आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं जो कंसाइनर होता है मतलब जो आपका प्रिंसिपल होता है जो गुड्स भेजने वाला पर्सन होता है उसके बुक्स में आपको चार अकाउंट बनाने होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी अकाउंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरे अकाउंट अब नॉर्मल लॉस वगैरह जैसे जैसे समाएंगे उसमें हम लोग सीखेंगे और जो कंसाइनी होता है जो एजेंट होता है उसके बुक्स में आपको दो अकाउंट्स बनाने होते हैं पहला होता है कंसाइनर अकाउंट और दूसरा होता है कमीशन अकाउंट इसी के साथ साथ कुछ जर्नल एंट्रीज भी दी गई है मैंने आपको नोट दी है आपने ये जर्नल एंट्रीज एक बार खुद से पढ़ लेनी है जब आप गुड्स भेजते हो तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है जब खर्चा होता है तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होती है वैसे हम एक सम जो करेंगे उसमें वी विल डिस्कस ऑल दिस जर्नल एंट्रीज आल्सो ओके तो आज के लिए हम सिर्फ थेराटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे यहीं पे हम लोग हमारा जो डिस्कशन है वो स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम पहला सम जो है कंसाइनमेंट अकाउंट का शुरू करेंगे और पहले हम उसको लेजर बना के सॉल्व करेंगे और उसी सम को फिर हम जर्नल एंट्रीज पास करके भी सॉल्व करेंगे ठीक है So we will stop for today. Thank you.